नमस्कार, मैं सुरक्षा। आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। भारतीय संस्कृति में पितृ पक्ष बड़ा महत्वपूर्ण और आदरणीय है। साल 2024 के अश्विनी मास के पितृपक्ष के श्राद्ध कल यानी 17 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं। पितरों को खुश करने के लिए संयोग संहिता का कैसे पालन हो, इस विषय पर हमें बताएंगे विद्वान पंडित मुकेश शर्मा जी। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो पंडित जी, पितृपक्ष कोई नया विषय नहीं है, लेकिन जैसे कि हमारी नई पीढ़ी को अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में यह पता नहीं है कि पितृपक्ष है क्या, तो आप थोड़ा सा पितृपक्ष के बारे में बताइए ताकि दर्शकों को इसके बारे में पता चल सके। आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष को हम पितृपक्ष कहते हैं, और दूसरे शब्दों से देखा जाए तो जब कन्या राशि में सूर्य नारायण आते हैं तो उनको कनागत बोलते हैं। तो अपने जो देवांगत व्यक्ति हैं, पूर्वज हैं, जो देवांगत आत्मा जो चले जाते हैं, तो उनके नियमित से मृत्यु तिथि के दिन इन श्राद्धों को किया जाता है। तो उस तिथि को श्राद्ध करना ही पारणव श्राद्ध कहा जाता है। इनको जो अब श्राद्ध आ रहे हैं इनको माहल्य श्राद्ध कहा जाता है। तो अब की बार क्या है कि श्राद्ध 17 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, जो 17 सितंबर को दिन में 11:44 से शुरू हो रहे हैं और ये 2 अक्टूबर तक चलेंगे। तो अब की बार क्या है कि 16 श्राद्ध होते हैं, तो अब की बार एक जो श्राद्ध है वो कम पड़ रहा है, अक्षय हो रहा है। एकादशी का जो श्राद्ध है वो अक्षय हो रहा है। 28 सितंबर की शनिवार को इंद्र एकादशी है, तो उसका जो श्राद्ध है वो एक दिन पहले 27 सितंबर को इसका जो श्राद्ध है वो हो जाएगा। तो श्राद्ध पक्ष में जिस दिन जिसकी पूर्वजों का जो श्राद्ध है उस दिन उसको अपने जो भी हैं अपने पास के पंडित जी हैं जिनको जानते हैं तो वहाँ जा कर के या तो मंदिर में जा कर के कराएं, या फिर उनको घर बुला करके अपने पितरों का जो भी हैं माता पिता दादा दादी जो भी हैं उनका तर्पण कराएं। तर्पण कराने के पश्चात फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं, और जो भी 5 प्रकार की बलियाँ दी जाती हैं, कौवे को, गाय को, कुत्ते को, चींटियों को और अग्नि को, इस प्रकार से मनुष्य को करना चाहिए। जी जी, तो जैसे कि पंडित जी आपने बताया कि ग्रहों और नक्षत्रों के अनुसार हमारे श्राद्धों की गणना कम में होती है या बढ़ती है, तो इस विषय में कि इस साल गणना में क्या विशेष है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। इसके विषय में यही है कि एक तिथि घट रही है, जो ये पितृपक्ष में एक तिथि जो एकादशी तिथि अक्षय हो रही है वो आगे नवरात्र में जाकर के वो बढ़ जाएगी। जी, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी है तिथि अक्षय है, लेकिन 28 सितंबर को कोई भी श्राद्ध नहीं है, मैं पहले कह चुका हूँ। तो उसका श्राद्ध जो भी एकादशी का श्राद्ध वो पहले आ जाएगा। तो श्राद्धों में विशेष रूप से क्या है कि कोई भी नया कार्य नहीं करना चाहिए, कोई भी नया खरीदारी भी नहीं करना चाहिए, क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, जैसे बाल वगैरह नहीं कटाना चाहिए, लेकिन आजकल के जो लोग हर रोज सेव वगैरह करते वो कर सकते हैं, और ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। मांस मदिरा बिल्कुल भी कोई भी व्यसन नहीं करना चाहिए कि जिससे पितर नाराज हो। इसलिए पितर पक्ष में बिल्कुल पितरों का ध्यान करते हुए, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ही इन जो भी 16 श्राद्ध उनको पूरा करना चाहिए, और लास्ट के दिन जो भी है पितरों को विदा करना चाहिए। पितृविदाई जो भी है कि 2 अक्टूबर को पितृविदाई करना चाहिए, घर के बाहर तेल का दीपक जला करके उनको विदाई करना चाहिए। तो पंडित जी, जैसा कि हम अपने आसपास सुनते हैं, समाज में लोगों से सुना जाता है कि हमारी कुंडली में पितृदोष है, तो कुछ पितृदोष है क्या चीज़, उसके बारे में आप जानकारी दीजिए थोड़ी सी। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन जो पितृ दोष है कुंडली में इसका तो विषय बहुत बड़ा हो जाएगा। जी जी। लेकिन इसका संक्षिप्त में यही मैं कहना चाहूंगा कि जिसके पूर्वज जिनकी गति नहीं हुई है, जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट वगैरह में हो जाती है, तो उनका जो हमारा श्राद्ध की तिथि जो होती है वो चतुर्दशी तिथि होती है, ठीक है। तो उस दिन उनको करना चाहिए। बाकी अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए, अक्षय तृप्ति के लिए, जैसे कि कोई गया जी में जाते हैं, कोई हरिद्वार में जाते हैं, तो कोई बद्रीनाथ में जाते हैं, कोई कुरुक्षेत्र में जाते हैं, कोई पेहवा में जाते हैं, जो जो जैसे भी अपने परिवार की परंपरा के अनुसार जो भी जहां जाते हैं वहां जा करके उन्होंने अपने पितरों के निमित्त से नारायण बलि, पिंडदान, ब्राह्मणों को दान दे करके खुश करना चाहिए, जिससे पितृ खुश होके तो उनको अपार सुख संपत्ति देते हैं। जी।
पंडित जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप अंत में कोई समाज के लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे, उसके लिए थोड़ा सा बोलिए। तो पितृपक्ष में क्या है कि मनुष्य को हमेशा बड़ी श्रद्धा भावना से करना चाहिए। देखिए, जो देवता होते हैं, देवता तो केवल भाव के भूखे होते हैं। भगवान तो कहते हैं कि पत्तर पुष्पम फलम तो यम यथा तो गच्छता, कि जो भी भक्त मेरे को पत्ता फूल जल कुछ भी जिस भी भावना से अर्पण करता है तो मैं उसमें सब गुण समझ करके मैं स्वीकार कर लेता हूँ। देवता तो ऐसी भावना होती है, देवता तो केवल भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन जो पितर हैं, पितर के लिए भाव भी होना चाहिए और श्रद्धा भी और क्रिया भी पूरी, शुद्धता भी जरूरी है, जिस प्रकार से जो शास्त्र विधि है उसके अनुसार भी करना जरूरी है, भाव भी जरूर चाहिए, सब कुछ जरूरी है। तो इसलिए पितरों को बड़े ही ध्यान पूर्वक करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण को बुला करके जो भी है तर्पण करा करके उनको भोजन कराना चाहिए, वस्त्र जो भी अन्न फल जो भी दे करके अपनी यथाशक्ति के अनुसार दे करके उनको विदा करना चाहिए। काफ़ी लोग, कुछ लोग देखे जाते हैं कि श्राद्ध के दिन आजकल क्या है कि बच्चे मंदिर के बाहर जाते हैं और जो बाहर बैठे होते हैं उन्हीं को फल ब्रेड दूध दे करके चलते बनते, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो भी है बाहर जो मांगने वाले हैं उनको देना चाहिए, बहुत अच्छा है। लेकिन जो श्राद्ध का जो आपने पितरों के निमित्त से निकाला है उसको विद्वान ब्राह्मण को ही देना चाहिए और यथाविधि पूरा संकल्प करा करके अपने पितरों का नाम गोत्र बोल करके उनको देना चाहिए। ब्राह्मणों को पैर पकड़ने चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि बड़ी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार ही पितरी जो यह कर्म करना चाहिए। साल में एक बार आते हैं, केवल 16 दिन ही होते हैं पितरों के। ठीक है, पितरों को जिस भी भक्ति के अनुसार हम पूजोंगे वैसे ही पितर हमको वैसे ही आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे विद्वान पंडित मुकेश शर्मा जी, जिन्होंने हमें बताया कि श्रद्धा और रीति रिवाज के अनुसार हम अपने पितरों को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया है। और आशा है कि अर्थ प्रकाश के दर्शक पंडित जी द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकेंगे और इसी तरह अर्थ प्रकाश टीवी देखते रहिए। धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।